मैं आपको 5 साल की गारंटी दे रहा हूं, अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल के धक्के मार के हमको बाहर निकाल देना, हमको गुजरात में मत घुसने देना अगली बार। अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांति होगी। गुजरात के अंदर बदलाव शुरू होगा। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया है? ये लोग कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल पैसे लेके स्विस बैंक में नहीं लेके जा रहा, जनता का पैसा है, केजरीवाल जनता पे लुटा रहा है। दोस्तों आज इतनी महंगाई होगी, इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी। अगर मैं गरीब लोगों के घर में थोड़ी सी खुशी ले आता हूं, उनका बिजली का बिल जीरो कर देता हूं, बताओ मैं क्या पाप करता हूं? लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे पास बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़ हूं। लेकिन आज जो देश भर में इतना समर्थन मिल रहा है वो केवल आपकी दुआओं का नतीजा है, आपके आशीर्वाद का नतीजा है। आज पंजाब के अंदर 25 लाख लोगों के जब बिल आ रहे हैं, वो हमें इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी दुआएं, इतने खुश हैं लोग, यकीन नहीं हो रहा लोगों को, नाच रहे हैं गांव के अंदर, अरे जीरो बिल आ गया, जीरो बिल आ गया, यकीन नहीं होता। आजादी के बाद 75 साल में लोगों के जीरो बिजली के बिल आने लगे हैं। हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो जीरो होगा। केजरीवाल की गारंटी है, हर परिवार को 300-300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और पुराना आपका जितना बकाया है बिजली का बिल वो सारा माफ कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों आज एक पढ़ा लिखा नौजवान, अनपढ़ नौजवान, कम पढ़े लिखे हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती। रोज देखो परीक्षा के पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, जो पेपर देखो वो फूट जाता है। क्यों होता है? इनसे एक पेपर नहीं होता, सरकार चला रहे हैं, ये धर्मशाला चला रहे हैं, इनसे एक पेपर नहीं होता। जिस सरकार से, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस सरकार से एक पेपर नहीं होता। तो दोस्तों मैंने दिल्ली में पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को, वेबसाइट के ऊपर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। मेरे को नौकरी दिलवानी आती है, मेरी नीयत भी साफ है, मैं बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहता हूं, उनके घर में खुशियां देखना चाहता हूं। हमने गुजरात के युवाओं को वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी, हर बेरोजगार युवक को 5 साल में, 5 साल में हर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाएंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपये महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल पैसे लुटाता है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो आपके साथ इल्लू इल्लू का रिश्ता है। मैंने पूरी प्लानिंग करी है, महेश भाई के साथ बैठ के, गोपाल इटालिया के साथ, ईशुदान भाई के साथ, इंद्रानिल भाई सबके साथ बैठ के मैंने प्लानिंग करी है। हम आपके लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उसमें आदिवासी समाज को पूरा हक मिलेगा, उनको पूरा अपना कोटा मिलेगा।
इनके बस की बात नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में हमने स्कूल बहुत अच्छे बनाए। आदिवासी समाज आज पिछड़ा इस वजह से है क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मेरी गारंटी है, मैं खुद सुपरवाइज करूंगा, हर गांव में आदिवासी समाज के हर गांव में एक शानदार प्राइवेट से भी अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे हर गांव के अंदर। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मेरी जिम्मेदारी है। हर गांव में एक अच्छा अस्पताल, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक और जिले के अंदर अच्छा एक अस्पताल बनाएंगे। दिल्ली में हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए हैं, दिल्ली में हमने बहुत अच्छे सरकारी अस्पताल, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे बना दिए, हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोल दिया और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त। आपका ऑपरेशन कितना भी महंगे से महंगा ऑपरेशन हो वो भी मुफ्त, आपके लिए भी ये इंतजाम करेंगे, सारा इलाज मुफ्त। आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अगर सरकारी अस्पताल में कोई नहीं हो सकता आपको प्राइवेट से कराना पड़ेगा, वो भी मुफ्त होगा, सरकार उसका पैसा देगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने हमारे आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं, जितने बेघर हैं वो सबसे गरीब हैं, उनके घर पे छत, उनके सर पे छत नहीं है, सरकार उनको घर देगी, उनको एक फ्री में घर देगी, जितने आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं, और हर गांव को एक पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों मैंने पता किया गुजरात के अंदर खूब दारू बिकती है, खूब शराब बिकती है, खुलेआम बिकती है, गांव गांव में बिकती है, गली गली में बिकती है, शहर शहर में बिकती है। कहते हैं दारू बंदी है यहां पे, तो शराब बंदी है, नशा बंदी है गुजरात में, तो ये इतनी हजारों करोड़ों रुपए की दारू कौन बेचता है? हजारों करोड़ों रुपए की दारू कौन बेचता है? किसका धंधा है ये? कौन पैसे कमाता है इससे? दोस्तों अगर आप इनको वोट दोगे तो ये आपके बच्चों को दारू पिलाएंगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब पिलाएंगे। अगर आप इनको वोट दोगे तो ये नकली दारू का धंधा चलता रहेगा, गैर कानूनी दारू का धंधा चलता रहेगा। दिल्ली में 5 साल 7 साल हुए मेरे को सरकार चलाते हुए, दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूर के बच्चे, दलितों के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, शानदार शिक्षा मिल रही है, शानदार स्कूल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, रोजगार दिए मैंने बच्चों को। आप दिल्ली जाके देखो, इनको वोट दोगे ये आपके बच्चों को जहरीली शराब दोगे पिलाएंगे, मुझे वोट दोगे मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों को नौकरी दूंगा। अब बदल दो, अब आपके पास मौका है, इस बार बदल दो। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में इल्लू इल्लू चलता था, इल्लू मतलब आई लव यू, बीजेपी बोलती थी कांग्रेस को इल्लू आई लव यू, कांग्रेस बोलती थी बीजेपी को इल्लू इल्लू आई लव यू, दोनों में इल्लू इल्लू चलता था बीजेपी कांग्रेस में। दोनों में इल्लू इल्लू, दोनों खूब ऐश कर रहे थे दोनों मिलके। आप कांग्रेस को वोट देते थे वो जाके बीजेपी में बैठ जाते थे,
अब ये बंद होगा, अब ये नहीं चलेगा, अब ये इल्लू इल्लू की राजनीति नहीं चलेगी, अब ये बंद करनी है इल्लू इल्लू की राजनीति, अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी, अब ईमानदार पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर, अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी, ये बंद करना है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, इस बार एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, हर वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए। कांग्रेस में कई नेता तो छोड़ के बीजेपी में चले गए, कई नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे और जो बचेंगे वो सारे चुनाव के बाद चले जाएंगे कांग्रेसी, तो अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, ये वाला चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी मतलब ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी मतलब देशभक्त पार्टी, नई राजनीति, नए चेहरे, नई सोच, नई उमंग, नई एनर्जी, और भाजपा मतलब जहरीली शराब, भ्रष्टाचार, नकली दारू। आज मैं आपके बीच में आपके मुद्दों के बारे में बात करने आया हूं, मेरे को भाषण वाषण नहीं आता, मेरे को राजनीति करनी भी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है, मेरे को देश के लिए काम करना आता है। मैं भी आम आदमी हूं, आज से 10 साल पहले इस देश में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, एक आम आदमी हूं मैं, इसलिए मैं एक आम आदमी की समस्या समझता हूं, एक आम आदमी कैसे बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, अपने बच्चों को पालता है, परिवार को पालता है, महंगाई हो गई है। तो आज मैं आपको कुछ गारंटी दे रहा हूं, गारंटी क्यों दे रहा हूं, गारंटी का क्या मतलब है, ये चुनावी वादा नहीं है, ये लोग भी आएंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले भी आएंगे, कहेंगे ये हमारा मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र, ये हमारा संकल्प पत्र, वो सब झूठे होते हैं। गारंटी मतलब आप टीवी खरीदने जाते हो मार्केट से, टीवी वाला आपको दो साल की गारंटी देता है कि अगर 2 साल में टीवी खराब हो गया तो वापस, मैं आपको 5 साल की गारंटी दे रहा हूं, अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल के धक्के मार के हमको बाहर निकाल देना, हमको गुजरात में मत घुसने देना अगली बार। जब हमारी सरकार बनी बिजली बहुत महंगी थी, 2015 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले बिजली बहुत महंगी थी, हमने दिल्ली में आके सबके लिए बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री मतलब जीरो बिल आता है, जीरो, कोई टैक्स ये फलाना ढिमका कुछ नहीं, जीरो बिल आता है। पंजाब में अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, मार्च में हमने पंजाब में कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली फ्री करेंगे, 3 महीने के अंदर सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। अभी पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं, जीरो जीरो जीरो, कोई अगला पुराना ये वो सर्विस टैक्स फलाना कुछ नहीं, जीरो बिजली के बिल। और अगले हफ्ते 26 लाख और 51 लाख, 51 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे, अब हर महीने 51 लाख परिवारों के। गुजरात में जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए, जरा हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए, जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं,